परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी भाइयों का इस दिया के प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज आपसे भिन्न हम क्या बात करेंगे कि देखिए साहब, दो तरह की बात। एक तो बात है कि आपको हम सिखा दें कि देखिए साहब, कुछ टिप्स है टाइम मैनेज करने का, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। समय की एक बड़ी महत्ता रही है भाई, आपको मैं आज पूछूं कि आपके पास आज कितने पैसे हैं। जैसे बहुत सारे भाइयों के घर से पैसा आता हो और आप बहुत संभाल संभाल के उसको खर्च करते हो, आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास में कितने पैसे हैं तो आप कोई बोलेंगे 500 रुपया है, आप बोलेंगे महीना जो है सो आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, तो आप बहुत संभाल के खर्च करेंगे कि आप जो है अगले महीने पैसे आए। आप कल्पना करके देखिए कि भगवान ने जो आज आपको आज का दिन दिया है, भगवान ने जो आज का समय दिया है आपको, उसमें आप उसका कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि उसका सदुपयोग आप किस ढंग से कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि पैसा आप संभल संभल के यूज करते हैं, लेकिन समय का हालत इतना खराब है कि आप अगर रात में जब सोने जाते हैं तो कभी एनालाइज करते हैं चीजों को? आप एनालाइज करके देखिए कि आज का समय हमने कितना सदुपयोग किया है, तो आप पाएंगे कि जनरली आप बहुत सारे दिन देखेंगे कि हमारा आज तो पूरा ही दिन खराब चला गया, हमारा आज का पूरा दिन ही अस्त व्यस्त हो गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। आप कल्पना करके देखिए इतना महत्वपूर्ण समय। तो समय की विशेष महत्ता है भाई। एक तो ऐसा है कि आप अभी के समय को देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप एक साल बाद अपने आप को देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, आपसे पूछा जाए कि क्या आप 5 साल बाद अपने आप को देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपने आप को 10 साल बाद देख पा रहे हैं कि हम कहां हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके 20 साल बाद देख पा रहे हैं। आज तो हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है जीवन का कि किसी तरीके से जो है नौकरी मिल जाए, बस बाकी छोड़ो हटाओ, किसी तरह से हमको नौकरी मिल जाए। और देखा यह गया है कि ऐसा नहीं है कि जो है आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरी जिनको मिल भी गया है, जिनको जॉब मिल भी गया है, उनका जीवन जाकर के देखिए वो कितने परेशान है। और जिन्होंने समय के महत्व को समझा, जिन्होंने 10 साल बाद अपने आप को देखने का प्रयास किया, जिन्होंने 20 साल बाद अपने आप को देख पाया, उनका जीवन धन्य होता हुआ चला गया। वही लोग आगे जाते हैं जिनका एक विजन होता है। आप एक बात बताइए, आप पढ़ाई कर रहे हैं मुखर्जी नगर, IAS का तैयारी कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी IAS का तैयारी कर रहे थे कि नहीं मुखर्जी नगर, कहीं और होगा उनका तैयारी, अब तो ये किला हो गया IAS का तैयारी करने वाले का, वो भी कहीं तैयारी कर रहे हैं। अब ये बात बताइए कि फायदे का सौदा क्या है, आपसे हम पूछना चाहते हैं। एक तो बात ये हो गया कि उस समय और भी लोग IAS का तैयारी कर रहे होंगे ना, और सुभाष चंद्र बोस के अंदर और जो जनरल लोग थे, एक तो था कि ठीक है साहब ICS उस समय था कि हम ICS कंप्लीट करके और किसका चमचा बनेंगे, अंग्रेज का चमचा बनेंगे जाकर के, और एक जज्बा था कि अपने देश के लिए हमको कुछ करना है, आज हमारी देश को आवश्यकता है। तो जब वो देश के लिए कुछ काम करते थे तो उनके पिताजी क्या कहते थे, जैसे हम लोगों के भी पिताजी कहते हैं कि तुमसे हो नहीं पाएगा इसलिए तुम जो है ऐसा ऐसा बात कर रहे हो, इसी तरह उनके पिताजी भी कहते। अगर आप लोग सुभाष चंद्र बोस की जीवनी नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें। इवन सुभाष चंद्र बोस की जीवनी क्या, एक ऐसा मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आप लोग ऐसे लिखते हैं, आप लोग ऐसे राइटिंग करते हैं और बहुत कुछ लिखना होता है, तो आप लोगों को तो लगभग महापुरुष का जीवनी पढ़ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इतनी इतनी मोटी बुक को पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है आपको कितना दिन चला जाए। आपके पास एक बहुत अच्छा ये है कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने लगभग सारे महापुरुष के बारे में लिखा और निचोड़, और वो भी पतला पतला साहित्य है, आप उसको जरूर पढ़िए, आप देखेंगे कि उनका जो जो मेन चीज है वो सारा कुछ लिख दिया गया है, आप जरूर पढ़िए। तो साहित्य में हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखें कि साहब सुभाष चंद्र बोस जो है तैयारी कर रहे थे तो उनके पिताजी बोले कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा इसलिए तुम जो है इनकलाब जिंदाबाद करते रहो, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो सुभाष चंद्र बोले पिताजी ऐसा नहीं, आज जो है देश को आज हमारी जरूरत है, इसीलिए हम देश के लिए भी समय निकालते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बोलता नहीं, बहुत जो हवा देता है। तो सुभाष चंद्र बोले ठीक है साहब,
तो सुभाष चंद्र बोस जो है तैयारी किए और तैयारी करने के बाद उनका फोर्थ रैंक आया, फोर्थ टॉपर थे वो सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद जब टॉप किए तब जाकर के वो लेटर दिखाए पिताजी को, पिताजी हवा नहीं दे रहे थे, कर सकते हैं हमें वो क्षमता है, और उस समय वो फाड़ के फेंक दिए कि हम अंग्रेज का गुलामी नहीं करेंगे। और वो सुभाष चंद्र बोस जो है उनके अंदर इतना दर्द था, इतना पीड़ा था अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कि ऐसा लिखा गया था कि जब वो रोते थे उस पीड़ा को लेकर के तो आंसू की धार बहने लगती, और जब भी वो कुछ समस्या में फंसते थे तो विवेकानंद का साहित्य जाकर के पढ़ते थे, विवेकानंद का साहित्य पढ़ते थे जाकर के, उसमें उसका समाधान मिलता। आप देखेंगे जितने भी ईमानदार आईएएस अधिकारी बने हुए हैं उनसे आप बात करिए जाके, तो कहीं ना कहीं विवेकानंद का व्यक्तित्व, विवेकानंद का विचार, विवेकानंद का साहित्य उनसे जुड़ा हुआ है। ये बात सत्य है भाई। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको किस तरफ जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आप महर्षि अरविंद को ले लीजिए, महर्षि अरविंद का नाम आपने सुना है ना, वो भी आईसीएस का तैयारी करते थे और वो आईसीएस में टॉप किए थे, आपको पता होगा, और उन्होंने 24 बार गोल्ड मेडल लिया था, एक दो बार नहीं 24 बार गोल्ड मेडल लिया था। और बावजूद जो है उनका कहानी है, एक लंबा कहानी है, उसके बाद वो छोड़ के उन्होंने तपस्या किया। आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस ये सब आगे आए थे, और अचानक इतने सारे क्रांतिकारी कैसे पैदा हुए और इस बीच में इतने सारे भ्रष्टाचारी कैसे पैदा हुए, कुछ तो बात होगा भाई, कुछ तो बात होगा, समय समय का बात है कि नहीं। बीच में इतने सारे जो है जो सो कॉल्ड राजनेता हैं जो हमारे देश को डुबा चुके हैं, कोई उससे जो है, आप अगर ये समझते हैं कि इसकी सरकार आ जाएगी और हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा तो हम गलत फहमी में, चाहे दूसरे का सरकार आ जाएगा तो हमारा देश आसमान में पहुंच जाएगा तो गलत फहमी में। अगर ऐसा रहता, गुरुदेव ने लिखा है एक चीज एक जगह कि हम राजनीतिक में क्यों नहीं भाग लेते, उन्होंने कहा कि राजनीतिक से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। अगर राजनीतिक से समस्याओं का समाधान होना होता तो आप इतिहास पढ़े हैं ना, आप देखे हैं ना, एक समय राजनीतिक क्रांति हुआ था, कई बार हो चुका है आपको, एक बार जयप्रकाश नारायण की क्रांति हुई, उसके चेले चपाटे जो भी निकले थे उससे, चाहे वो पक्ष में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, सबका दुर्दिन है, सब तो सबका हाल है सही है। चाहे भ्रष्टाचार का क्रांति हुआ उसका भी हाल देख लीजिए, कुछ है, कोई आशा नहीं है भाई। उसको अगर कोई ठीक कर सकता है ना, उसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो विचार क्रांति ठीक कर सकता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये बात जरूर है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये जब उतरेगा ना तो उतरेगा, तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये जो नेता हैं, राजवारे हैं, आने वाले समय में आप एक बात बताइए, सबका एक क्रम रहता है। जिस समय मुगल का शासन हुआ करता था, आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कितना बड़ा साम्राज्य जिसका इतना तूती बोलता है कि कोई इसको हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। आज क्या होगा, आज वो पर्यटक स्थल बन गया है। आप जाइए आगरा में फतेहपुर सीकरी देकर के आइए, हम एक बार देखने गए थे तो वो जेल की जो दीवार सब जेल सब बनी हुई है उसमें जो है घास फूस सांप जो है बिच्छा सब रहता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी होने वाला है। अंग्रेज आया जिसका जो है सूर्य उदय होता था और सूर्यास्त होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, वो कभी अंत हो सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अंत हो सकता था। जो युवा उस समय इसके लिए आवाज उठाते थे कि साहब जो है इसको भगाना है, तो जो सो कॉल्ड समझदार व्यक्ति होते थे वो बोलते थे ये देखो बेवकूफ पागल हो गया है, पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं होता है, कहां जो है से चला गया है। आप ये बताइए कि उस समय गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं, बैरिस्ट्री किए थे ना, उन्होंने बैरिस्ट्री किया, भारत देश वापस आए और वापस आने के बाद जब उन्होंने पहला केस अपना लड़ा तो उनका पैर कांपने लग गया था। आप लोग तो ठीक स्थिति में हैं, उनका पैर कांपने लग गया था तो मौकिल जो है कालक पकड़ के पैसा ले लिया कि जब तुमसे केस नहीं लड़ सकते हो तो काहे पैसा ले लिया तुम मेरा। उस गांधी के अंदर में इतना ताकत कहां से आ गया कि जब एक आवाज देता था तो लाखों लोग उसके पीछे आ जाते। जब विदेश से कोई वायसराय भारत आता था तो उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि भारत तो जा रहे हो लेकिन उस गांधी से आंख में आंख मिला के बात मत करो, अगर उससे आंख में आंख मिला के बात की तो उसी का भाषा बोलने लगो। वो क्षमता कहां से आ गया भाई, वो क्षमता अगर आया है तो भारतीय अध्यात्म से आया। भारतीय अध्यात्म, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद
हम उसके तंत्र को नहीं जान पा रहे हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जान पा रहे हैं। गजब की बात है भाई, पहली बार आपसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग कई बार अपना प्लानिंग बनाए होंगे कि नहीं, और दो तीन दिन में टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, टूटता है ना। यही तो समस्या है, यही समस्या है कि हम सब जानते। इवन एक भाई से बात हो रहा था तो बोले कि भैया टाइम मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि कितना बार हम टॉयलेट जाते हैं वो भी लिख के रखते थे। आप बताते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात, प्रॉपर जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट था, लेकिन वो दो दिन चल गया तो समझते थे बहुत चल गया, तीन दिन चल गया तो बहुत चल गया, उससे ज्यादा नहीं चल पाता। टाइम मैनेजमेंट का क्लास ले लेने से, मोटिवेशनल लेक्चर ले लेने से हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होने जा रहा, ये बात एकदम सत्य है। इसके पीछे जो कारण है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। चाहे हमारा माइंड मैनेजमेंट की बात हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो, किसी मैनेजमेंट की बात हो, लेकिन उसके पीछे जो सूत्र है, उसके पीछे जो जड़ है, उसको हम लोग ना समझ पा रहे हैं, और यही कारण है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि साल दर साल, महीने दर महीने पढ़ाई करते जा रहे हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। 5 साल बीत गए फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा है, और उसी में कुछ देखते हैं, कुछ साल 2 साल तैयारी किए बहुत हुआ, 3 साल तैयारी किए और अच्छे जगह सेटल डाउन हो गए। इसका कारण है भाई, एक बड़ा अच्छा इन्होंने कोट लिखा है, ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ कंट्रोल मोर देन एनीथिंग एल्स। अब देखिए गजब की बात क्या है कि हम टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं लेकिन हमारा मन पे नियंत्रण नहीं है। अगर मन पे नियंत्रण नहीं है तो कितना भी आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए संभव नहीं है, आप कितना भी कर लीजिए। हम लोग यहां से सूत्र बताते हैं कि आप लोग मंत्र करें। ये मंत्र क्या होता है, ये जो गायत्री मंत्र अभी करवाया गया आप लोगों से, ये क्या है, ये पूछा गया एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा था, तो गुरुदेव ने उसका रिप्लाई किया था कि ए टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द माइंड, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपके माइंड को कंट्रोल कर दे वही गायत्री मंत्र। देखिए आपके अंदर में वो सारे पोटेंशियल मौजूद है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि देखिए जीवन में अच्छी बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम कहते हैं कि एक चीज को आप अपना लीजिए वही चीज आपको महापुरुष बना देगा। एक चीज आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं इनका नाम है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, बहुत लोग जानते होंगे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पहली बार देख रहे हैं। ये व्यक्ति जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी इनके जीवन में देखेंगे तो इन्होंने इतना काम किया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई एक व्यक्ति कर भी सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने कहा है कि बेटा इसमें कोई चमत्कार नहीं, अगर आपका समय का मैनेजमेंट हो जाए, टाइम का मैनेजमेंट हो जाए, तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने अपने जीवन में देखिए बहुत सारे बड़े महापुरुष लोग आए, कबीर आए, समर्थ गुरु रामदास आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए, विवेकानंद आए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अंतर बताऊं मैं क्या है, जैसे रामकृष्ण परमहंस आए तो उनका पूरा जीवन साधना में बीता है कि नहीं बीता है, और उन्होंने अपने एनर्जी को ट्रांसफर किनको किया, स्वामी विवेकानंद को ट्रांसफर किया। कि स्वामी विवेकानंद को ट्रांसफर किया कि तुम जाकर के फैलाओ इस चीज को, हमारा जो संस्कृति है, हमारा भारतीय अध्यात्म है, तुम जाकर के चारों ओर प्रचार करो जाकर। और इनमें आप देखेंगे तो इनमें सारी कला, इन्होंने 15 साल की उम्र में संकल्प लिया कि इनको बताया गया, इनके गुरु दर्शन दिए और इनको बताया गया कि आप ही कबीर थे, आप ही समर्थ गुरु रामदास थे पिछले जन्म में, आप ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, और उसके बाद आपका जन्म हुआ। बताया गया है कि जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जन्म लिए थे उसी दिन से युग का निर्माण का क्रम स्टार्ट हो गया था, तो ये इनका जो है अगला जन्म था, और इनको बताया गया कि आपको सब चीज करना है। इन्होंने 27 साल तक सिर्फ तपस्या किया, गायत्री मंत्र का 24 लाख अनुष्ठान किया था, 24 महापुनश्चरण, और एक महापुनश्चरण 24 लाख गायत्री मंत्र के बराबर होता है, कोई एक जीवन में नहीं कर सकता है। ये इन्होंने 24 साल महापुनश्चरण किया, और उस बीच में इन्होंने किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल जो है अपने आप को तपाने में कॉन्सेंट्रेट किया। आप 15 साल और 3 साल इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दिया,
जब देश में आजादी की लहर थी तो इन्होंने 3 साल उसमें गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया। आप कल्पना करके देखिए इतने दिन तक तो इन्होंने तपस्या किया। इन्होंने बोला कि बेटा मैंने इतनी तपस्या की है और तपस्या से इतना पहाड़ खड़ा कर दिया है कि अपने आधे तपस्या से मैं पूरे युग को बदलूंगा, कोई समाज नहीं बदलूंगा, कोई राष्ट्र नहीं बदलूंगा, कोई दुनिया नहीं बदलूंगा, पूरे युग को बदलूंगा। ये कोई साधारण व्यक्ति कह नहीं सकता, ये कोई साधारण सत्ता हो नहीं सकता। 42 साल के बाद इनका काम स्टार्ट होता है। वो कौन सा काम था? इन्होंने 3200 साहित्य लिख दिया। पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना साहित्य नहीं लिख दिया। चारों वेद का भाष्य किया, 18 पुराण का भाष्य किया, 108 उपनिषद का भाष्य किया और पता नहीं किस किस टॉपिक में इन्होंने नहीं लिखा। दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है। आप पढ़ के देखिए, ये सिर्फ साहित्य नहीं है। जैसे गीता महत्वपूर्ण क्यों है? गीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कृष्ण का व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। इनका साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का व्यक्तित्व जुड़ा। आप पढ़ के देखेंगे आपका जीवन बदले बिना नहीं रह सकता है। तो इन्होंने जो बोला था कैसे संभव हुआ 3200 साहित्य लिखना, ये संभव हुआ इसके पीछे इन्होंने बताया था कि जब तक मैं सुबह 3 घंटा लिख नहीं लेता था तब तक मैं पानी का एक बूंद अपने जीव पे नहीं लेता। आपसे हो पाएगा? अगर आपको बोला जाए आप आए हैं मुखर्जी नगर तो किस लिए आए हैं? पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो आपसे बोला जाए कि कम से कम सुबह में जब तक 4 घंटा आप पढ़ नहीं लीजिएगा तब तक आप नाश्ता नहीं करिए। ये संकल्प लेकर के जाइए, आपका समय ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। संकल्प आपके जीवन का सबसे बड़ा जो है हथियार होना चाहिए। आप जो बता रहे थे हमारे विनय जी कि आप सुबह उठने का प्रयास करिए, जब तक आपका दिन आएगा कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तब तक तो आपका पढ़ाई कंप्लीट होने जाना चाहिए। और ऐसा बहुत सारा चीज है। आज 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 8000 जो है सेंटर्स बने हुए हैं, 80 से ज्यादा देशों में जो है संगठन है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतना सारा काम इन्होंने करके रख दिया है। कभी इनका स्वरूप देखना है तो आप शांति के हरिद्वार में जाकर के देख सकते हैं। अब एक अच्छे गुण को आप अपना लीजिए। इन्होंने क्या अपनाया पता है? इन्होंने समय के महत्व को पकड़ लिया। जॉर्ज वाशिंगटन जब ये सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे तो लोग इनके जूते के आहट से समझ जाते थे कि अरे वाशिंगटन जा रहा है, 5 बज रहा होगा, उठ जा जल्दी। इन्होंने जीवन में एक चीजों को अपना लिया, समय के महत्व को। ये अमेरिका का एक जो है सबसे बड़ा हस्ती, सबसे बड़ा राष्ट्रपति आज माना जाता है जॉर्ज वाशिंगटन। एक सूत्र को अपना लिया। आज आप देखेंगे कि आपसे बोला जाता है कि 8 बजे का प्रोग्राम है, आप लोग 8 बजे आइए तो घूमते टहलते उधर से आ रहे हैं, प्रोग्राम में अच्छा आते हैं, 8:15, 8:30, 8:15 आराम से आ रहे हैं, समय का कोई वैल्यू नहीं। मीटिंग होता है तो 11 बजे का टाइम दिया, घूम फिर 11:30, 11:30, 12 नहीं आना मत आई। कम से कम अपना ऐसा व्यक्तित्व क्यों बना रहे हैं कि लोग बोलेगा ये तो लेट लतीफी है। चाहे आप बोल दीजिए भाई साहब थोड़ा लेट हो जाएगा, वो तो उससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और नहीं तो कोई भी मीटिंग रखा जाएगा ना तो बोला जाएगा कि हाँ ये लड़का जो है लेट लतीफ है, ये 11:30 से पहले नहीं आने वाला। इसीलिए जनरली क्या होता है, जब किसी को मीटिंग करना होता है 1/2 घंटा पहले का टाइम देते। हमको याद एक बार जर्मनी गए थे तो इस तरह का बना हुआ है यहाँ का टाइम का एक परसेप्शन कि तो इंडिया से हम लोग कुछ गए थे मैनेजर जर्मनी, प्रेजेंटेशन था तो एक जर्मन को देखे बात कर रहे थे एक इंडियन से, तो बोला कि कल जो है 10 बजे का मीटिंग। तो पूछता है जर्मन उससे कि इंडियन टाइम या जर्मन टाइम बताइए। मर जाना चाहिए नाक में पानी खींच ऐसे आदमी कि ऐसा बन गया है कि वो बोला तो इसका मतलब समझ लो 15-20 मिनट लेट ही आएगा। तो इसको डेवलप कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो जाए। तो आइंदा ध्यान रखिएगा पूरा इंडियन टाइम से ही आएंगे हम, जर्मन टाइम से आने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसा बन गया है परसेप्शन। कौन है ये? देखिए जो समय का आपका सदुपयोग तब संभव हो पाएगा जब आपके पास एक गोल होगा। जीवन में अगर आपका गोल नहीं है तो संभव नहीं है कि आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको आप सोच बैठे हैं इस साल कि हमारा टारगेट ही नहीं है आईएएस इस साल, आप मान के चले हैं कि अगले साल हम करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वैसा ही ढीला होता चला जाएगा। करेंगे देखेंगे, इस साल कोचिंग करेंगे, अगले साल जो है अपने आप को तैयार करेंगे जिम वूम करके और उसके अगले साल जो है एग्जाम देंगे, तो वो होता चला जाएगा। आप कॉन्फिडेंस लो क्योंकि क्या है कि हमारा गोल नहीं है ना जीवन, यही कारण है। अपने जीवन में एक गोल बनाए,
अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए। देखिए उद्देश्य कैसे बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक नौकरी ले लेना उद्देश्य, ऐसा जीवन नहीं हो सकता है। आपका एक मास्टर गोल होना चाहिए, एक मास्टर गोल होना चाहिए। वो मास्टर गोल क्या होना चाहिए? एक मास्टर गोल हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे एक प्रोफेशनल गोल हो सकता है, आपका सोशल गोल हो सकता है, आपका कोई और भी स्वास्थ्य से रिलेटेड गोल हो सकता है। तो जैसे आपका गोल हो सकता है कि नहीं साहब हमको आईएएस बनना है, ठीक, तो आपको आईएएस बनना है तो आपका गोल फिक्स्ड होना चाहिए कि हमारे ईयरली गोल ये है, उसके बाद सिक्स मंथ में हमारा क्या है, क्वार्टरली क्या है, मंथली क्या है, हमारा वीकली क्या है। और जब गोल आप बनाते हैं तो हफ्ते में एक दिन जरूर गैप रखिए। आप अगर गैप नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा हेक्टिक कर देंगे तो कभी चल नहीं पाएगा। गैप इसलिए रखिए कि मान लेते हैं कि अगर 6 दिन में आप कहीं भी मिस हो गए, नहीं कर पाए, तो आप उसको एडजस्ट कर पाए, नहीं तो आपका मन क्या समझता है, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि 2 दिन गैप करना है तो 2 दिन गैप करिए, लेकिन जो गोल बनाइए उसको पूरा ऐसा तगड़ा गोल बनाइए कि बस फोकस्ड हो गए तो हो गए, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, करना ही करना। ये एक बड़ा टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे हम लोग गोल के बारे में, पूरा क्लास लग जाएगा। सीज द डे, ये आप लोग आज सूत्र लेकर के जाइए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप 2 मिनट का साधना जरूर करिए। हमारा विश्वास मानिए आपका जीवन बदल के रख देगा। 2 मिनट का आत्मबोध का साधना करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही बेड पर से उठते हैं सबसे पहला काम करना है कि बेड पर बैठ के 2 मिनट आपको चिंतन करना है। वो क्या चिंतन करना है कि आज हम पहले सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद इस बात के लिए दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, भगवान ने सही सलामत हमको रखा है, धन्यवाद। दूसरा बात कि आज हमारा नया जन्म हुआ है, ये आपको चिंतन करना है। आप देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आज हमारा नया जन्म हुआ है, आज हमारा नया जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पुराना समय था उसको हमको याद नहीं है। लोग परेशान होते हैं ना पास्ट को लेकर के, हमसे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, काश हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो पाता, वो भूल जाए। आज हमारा नया जन्म हुआ है और आज का वर्तमान है हमारे पास। आप लोग चक दे इंडिया देखे हैं मूवी, उसमें क्या बोलता है शाहरुख खान, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट तुम खेल गए तो तुमसे भगवान भी ये समय छीन नहीं पाएगा। वही उद्देश्य लेकर के आप आगे बढ़िए कि आज का दिन है, पता नहीं कल है कि नहीं, कौन जानता है, आज का दिन है, आज ही हमको जीना है, कल हम नहीं, आज ही हमको सफल होना है। आप प्रत्येक दिन सफल हो सकते हैं। आज का दिन ऐसा बीत जाए कि आप विश्वास मानिए आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि आज तक हमारा जीवन ऐसा बीता नहीं है, ऐसा अद्भुत जीवन।